डायंतिका नम आंखों के साथ कहती है, निशाज क्या वो सब करना जरूरी है? निशाज डायंतिका की आंखों में देखते हुए कहता है, डायंतिका क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है? डायंतिका खामोश खड़ी रहती है, निशाज को पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, जैसे वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता मौजूद नहीं था। निशाज फिर डायंतिका से नम आंखों के साथ बोल पड़ता है, हमें ये करना ही होगा डायंतिका, हमारी बेटी चित्रा के लिए। डायंतिका रोते हुए कहती है, पर ये करने से मैं हमारी बेटी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी निशाज, हम कभी उसे नहीं देख पाएंगे। निशाज पलट कर कहता है, माना डायंतिका कि हम हमारी चित्रा को ये करने के बाद कभी देख नहीं पाएंगे, पर वो जी पाएगी, क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? डायंतिका खामोश रहती है। निशाज चित्रा को देखते हुए कहते हैं, तुम क्या चाहती हो, हमारी चित्रा इसी तरह मरी हुई लाश की तरह पड़ी रहे? डायंतिका हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, नहीं निशाज, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती, पर मैं अपनी चित्रा से दूर भी नहीं होना चाहती हूँ। निशाज डायंतिका को फिर से एक बार अच्छे से समझाते हुए कहता है, किसने कहा हम उससे दूर हो जाएंगे, हम तो हमेशा उसके पास ही रहेंगे, उसके दिल में। डायंतिका एकटक नजर से चित्रा को ही देखते रहती है और चित्रा को देखते हुए ही उसके मन में एक ख्याल आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, निशाज एक रास्ता अभी भी है चित्रा को बचाने। निशाज एकटक डायंतिका को ही देखते रहता है, उसे अपनी बात पूरी करने देता है। डायंतिका एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हम उसे शिकार करने देते हैं? निशाज एक गुस्से के साथ तुरंत पलटकर अपनी बात पर जोर देते हुए बोल पड़ता है, ये तुम क्या बोल रही हो डायंतिका, तुम्हें पता है ना तुम क्या करने को बोल रही हो? डायंतिका अपनी बात पर अटिग रहते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है निशाज मैं क्या करने का बोल रही हूँ। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि हमारी बेटी चित्रा की ऐसी हालत क्यों हुई है, क्योंकि हमने उसे 2 साल तक शिकार करने से रोका है। मुझे लगता है कि अगर हमने उसे शिकार करने दिया तो वो ठीक हो जाएगी, वापस पहले जैसी हो जाएगी। निशाज डायंतिका से पलट कर कहता है, तो फिर हमारे उस वादे का क्या डायंतिका जो हमने एक दूसरे से किया था? जिस काली दुनिया से हम चित्रा को आज तक बचाते आए हैं, तुम उसे उसी काली दुनिया में ढकेलने की बात कर रही हो? तुम क्या चाहती हो, जिस तरह हम इंसानों के बीच रहकर उनका मांस खाते थे, उनका खून पीते आए थे, हमारी बेटी भी वैसा ही करे? तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि कितनी बार अपनी भूख को मिटाने के लिए हमने उन इंसानों को मारा है जिन्हें हम जानते थे, जो हमारे दोस्त थे। डायंतिका को अपने कहे पर लज्जा आने लग जाती है और वो शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। निशाज अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, डायंतिका ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, जो हमने किया वो हम हमारी बेटी को कभी नहीं करने देंगे, उसे उस काली दुनिया में कभी कदम नहीं रखने देंगे। वहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं रखा है, वहाँ पर लंबी उम्र तो है पर अपने नहीं, और जिस जिंदगी में अपने ना हो वो जिंदगी भला कैसी जिंदगी? डायंतिका अभी भी खामोश रहती है। डायंतिका हिम्मत करते हुए हिचकिचाहट के साथ फिर बोल पड़ती है, पर निशाज। डायंतिका अपनी बात पूरी करती उससे पहले निशाज फिर बोल पड़ता है, डायंतिका अगर आज तक हमने अपनी बेटी को शिकार करने से रोका है तो आज भी वही करेंगे। डायंतिका निशाज से पलटकर कुछ नहीं बोल पाती है। निशाज दीवार में लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, 11 बज चुके हैं और कुछ ही देर में अमावस्या शुरू हो जाएगी, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डायंतिका नम लहजे के साथ कहती है, निशाज मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, तुम्हारी पत्नी हूँ, हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था और आज भी वही करूंगी, पर एक वादा तुमने भी किया था कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे। निशाज एकटक डायंतिका को देखते रहता है, वो जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि डायंतिका आखिर ऐसे वक्त पर उससे क्या मांगने वाली थी। डायंतिका एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मुझे कुछ वक्त और चाहिए निशाज, मुझे वो दे दो, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ पल और बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है उसके बाद मैं फिर कभी भी अपनी बेटी को देख तक नहीं पाऊंगी। आज मैं उसे जी भर कर देखना चाहती हूँ, जी भर कर उससे बात करना चाहती हूँ, जी भर कर उसे प्यार करना चाहती हूँ। ये बात कहते कहते डायंतिका की आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए थे। डायंतिका के दिल में चित्रा के लिए इतनी ममता देखकर निशाज का मन भी नम हो जाता है। वो डायंतिका को मना ही नहीं कर पाता है और अगले ही पल बोल पड़ता है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ डायंतिका, तुम बैठो चित्रा के पास जब तक मैं अकेले तैयारी शुरू करता हूँ। इतना कहकर निशाज हॉल के एकदम बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है। निशाज अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लेता है। जैसे निशाज अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ता है, हॉल के अंदर जगह जगह पर जो मशाले जल रही थी उन मशालों की लौ में तेजी के साथ मूवमेंट होने लग जाता है। वो लौ एक लहर की तरह लहराने लग जाती है और देखते ही देखते सारी मशालों की रोशनी हॉल के बीच में खड़े निशाज के हाथ के पास जाने लग जाती है।
ऐसा लग रहा था जैसे हॉल की सारी रोशनी उसके हाथ में जमा हो रही हो। निशाच अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। उसके मंत्रों के उच्चारण से हॉल गूंज उठता है। देखते ही देखते निशाच के कान बड़े होने लग जाते हैं, वो लंबे हो जाते हैं, उसकी नाक किसी जानवर की नाक के रूप में बदलने लग जाती है। जब निशाच अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों की पुतली का रंग भी बदल जाता है, वो काले रंग से लाल हो जाती है। देखते ही देखते निशाच के दो नुकीले दांत भी बाहर आने लग जाते हैं। उस हॉल के अंधेरे में निशाच अलग ही चमकने लग जाता है। निशाच एक पिशाच की तरह लग रहा था। निशाच मंत्र पढ़ते हुए ही हॉल के फर्श पर अपने नुकीले पहने हाथों से कुछ बनाने लग जाता है। निशाच के नाखून इतने ज्यादा पहने नुकीले मजबूत हो गए थे कि उसके खरोचने से फर्श से उखड़ने लग गया था। निशाच जैसे जैसे फर्श पर खरोचते जा रहा था, वो फर्श उखड़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे निशाच उस फर्श के ऊपर अपने नाखून की मदद से कुछ बना रहा हो। एक तरफ निशाच फर्श पर कुछ बनाने में लगा हुआ था तो वहीं पर डायंतिका अपनी बेटी चित्रा के पास बैठी हुई थी, उसके साथ आखिरी कुछ पल बिता रही थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। चित्रा की आंखें अभी भी बंद थी। डायंतिका चित्रा को देखते हुए नम लहजे के साथ कहती है, मेरी चित्रा बेटी, तुम इस तरह चुप क्यों लेटी हुई हो? क्या आज तुम अपनी माँ से कोई सवाल नहीं पूछोगी, उससे कुछ नहीं कहोगी? माँ की ममता ऐसी ही होती है, उसकी संतान उससे कुछ बोले ना बोले पर वो अपनी संतान से हमेशा बातें करती रहती है। उसके रूठने पर खुद उसे मनाने लग जाती है और डायंतिका के अंदर भी वही ममता थी। उसके लिए तो चित्रा अभी भी होश में थी। चित्रा को होश में समझकर ही वो उससे बातें किए जा रही थी। डायंतिका चित्रा को प्यार भरी नजरों से देखते हुए उससे फिर बोल पड़ती है, चित्रा बेटी, तुम हमेशा मुझसे सवाल करती रहती थी ना, और मैं हमेशा तुम्हारे सारे सवालों को टाल दिया करती थी, पर आज मैं तुम्हारे किसी सवाल को नहीं टालूंगी। पूछो बेटी, क्या पूछना है तुम्हें? इतना कहकर डायंतिका चित्रा की तरफ देखने लग जाती है। उसे उम्मीद थी कि चित्रा होश में आएगी और उससे सवाल पूछेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। न चित्रा उठती है, न डायंतिका से कोई सवाल पूछती है। डायंतिका खुद से बोल पड़ती है, मुझे पता है चित्रा बेटी, मैंने बचपन से तुम पर कई पाबंदियां लगाकर रखी हुई थी, पर वो पाबंदियां लगाने की भी एक वजह थी, एक ऐसी वजह जिसमें कई सारे राज छुपे हुए हैं, पर आज मैं तुम्हें वो सारे राज बताऊंगी। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि तुम्हारी चोटी इतनी लंबी क्यों है, तुम क्यों कभी बाल नहीं कटा सकती, कैसे किसी दूसरे की बातें तुम सुन लेती हो, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि बिल्लियां तुमसे बात करती हैं। इन सब चीजों की एक वजह है, और वो वजह ये है कि तुम सच में बाकियों से अलग हो। सिर्फ तुम बाकियों से अलग नहीं हो, तुम्हारे माता पिता भी बाकी बच्चों के माता पिता से अलग है। डायंतिका चित्रा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं तुम्हारी माँ, जिसका नाम डायंतिका है, उसका नाम डायंतिका ऐसे ही नहीं रखा। तुम्हारी माँ एक डायन है जो डायन वंश से है। वो डायन है जो इंसानों से उनकी उम्र छीनती है ताकि खुद अपनी उम्र को बढ़ा सके। जैसे ही डायंतिका ये बात बोलती है, चित्रा के हाथ की उंगलियां हिलने लग जाती है, जैसे वो डायंतिका की सारी बातें सुन रही हो, उन्हें समझ रही हो। डायंतिका का पूरा ध्यान चित्रा के चेहरे की तरफ था। डायंतिका अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जिस तरह तुम्हारी माँ एक डायन है, उसी तरह तुम्हारे पिता भी कोई आम इंसान नहीं है, वो एक पिशाच है। उसी वजह से उनका नाम निशाच पड़ा। तुम्हारे पिता पिशाच वंश से थे, वो पिशाच जो इंसानों का खून पीते हैं ताकि अपनी शक्तियों को बढ़ा सके। इस बार भी चित्रा की उंगलियों में हलचल होती है, पर पिछली बार की तरह इस बार भी डायंतिका का उस पर ध्यान नहीं जाता है। डायंतिका फिर बोल पड़ती है, तुम्हें याद है चित्रा बेटी, बचपन में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाया करती थी, एक यक्षिणी की कहानी, वो यक्षिणी जिसने इस पृथ्वी लोक को बचाने के लिए अपनी आबरू तक को कुर्बान कर दिया था, एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा था, जो देवी से डायन बन गई थी। और जब कहानी खत्म हो जाती तो तुम हमेशा मुझसे पूछती कि क्या यक्षिणी सच में होती है, और मैं हमेशा कहती कि ये बस एक कहानी है और कुछ नहीं, पर सच तो ये है कि दुनिया की कोई भी कहानी कहानी नहीं होती है, एक सच्ची घटना होती है, और उस घटना को वही जानता है जो उसका पात्र होता है, और मैं भी उस कहानी की एक पात्र हूँ, वो पात्र जो सदियों बाद यक्षिणी की उस कहानी से जुड़ी। इतना कहकर डायंतिका चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर अचानक से एक डर नजर आने लग जाता है, जैसे आगे की कहानी बताने से उसकी जुबान भी कांप रही हो। डायंतिका हिम्मत करते हुए फिर बोल पड़ती है, चित्रा बेटी, तुम्हें उस भक्षानर के बारे में तो याद ही होगा, वो भक्षानर जिसके समस्त ब्रह्मांड पर राज करने की इच्छा थी, उसी से यक्षिणी की कहानी शुरू हुई थी। अगर वो नहीं होता तो यक्षिणी के अभिशाप की दास्तां कभी शुरू ही नहीं होती। उस रात महाडायन की कामेश्वरी यक्षिणी को अभिशाप देने के बाद यक्षिणी ने अपने अभिशाप की शुरुआत भक्षानर से की थी। अपना पहला शिकार भक्षानर को ही बनाया था। उस कहानी का अंत वहीं पर हो गया था
पर सच तो यह है कि वो अंतरी शुरुआत थी एक नई कहानी की। कहानियों की सबसे खास बात यही होती है कि जब हमें लगता है कि कहानी का अंत हो गया है, एक नई कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। दयंतिका एक लंबी आह भरने के बाद फिर बोल पड़ती है। भक्षानर जितना ज्यादा बलवान और शक्तिशाली था, उतना ही ज्यादा चालाक और शातिर था। वो अपना दिमाग शतरंज की चालों की तरह तेज दौड़ाता था। पहले ही अनुमान लगा लेता था कि आगे क्या होने वाला है, जैसे वो ये बात पहले से जानता था कि यक्षिणी को बुलाने के बाद क्या क्या हो सकता था। उस काम में उसकी मौत भी हो सकती है, इसी वजह से उसने पहले ही सारी तैयारी करके रखी हुई थी। उसे तो बस किसी भी कीमत पर अपना सपना साकार करना था, पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना। चाहे फिर वो सपना वो खुद साकार करे या फिर उसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ी। भक्षानर ने महाडायन के बाद भी कई सारी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर रखे थे, जिसमें कुछ चुड़ैल थी, कुछ डायने, कुछ शाकिनी तो कुछ आम औरत। ये उसी का नतीजा था कि उसके कई सारे अंश पृथ्वी लोक पर मौजूद थे। उस रात भक्षानर का तो अंत हो गया था, पर उसके वंश का नहीं।